सोने से पहले आप 5 मिनट खुद से बात जरूर करें। जिंदगी में दोस्तों सक्सेस के बहुत बड़ा जंजाल नहीं है ये, दुर्भाग्य है कि आदमी खुद से बात करता ही नहीं है। आदमी पता नहीं मैं कर क्या रहा हूं, स्टूडेंट को पता है मेरे कोचिंग में दे, मैं कोचिंग में दावे से कहता हूं इन कोचिंग में 70% बच्चे ऐसे आते हैं जिनको पता ही नहीं आ क्यों नहीं कोचिंग में, बस वो उठेंगे बिल्कुल अच्छा फ्रेश व्रेश हुआ नाश्ता किया क्लास में आगे सारी क्लास देंगे, क्लास में बैठ के जाएंगे खाना खाएंगे सो जाएंगे, उठ के फिर पढ़ने लग जाएंगे, फिर अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सारी क्लासेस दे रहे हैं, सारे टेस्ट देते हैं, लेकिन अंदर बात नहीं करते खुद से। जब नंबर कम आ गए तो रो लेंगे, ज्यादा आ गए तो फिर इंजॉय कर लेंगे, लेकिन एनालिसिस नहीं करेंगे कि ज्यादा आए उस दिन ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने ऐसे क्या टॉपिक पढ़े कि ज्यादा आ गए, और जिस दिन कम आए उस दिन ये तो पूछो यार कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि नंबर कम आए। तो ऐसा नहीं भाई। तो जो स्टूडेंट फ्री है, जो यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, अन्य कोई भी तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका स्कूल कोचिंग या कॉलेज जाना नहीं होता है तो 7 से 12 दोपहर में, 3 से 6 और 7 से 12 ये 13 घंटे दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए। कोई कहता साहब इससे काम नहीं चलेगा, तो भाई तू तब पढ़ के दिखा मेरे 7 दिन पहले। हेलो, मैं आपको एक बहुत बड़ा जोक सुनाता हूँ। अभी 3-4 साल पहले, अब तो बंद कर दिया उसको मैंने, मतलब खत्म कर दी बीमारी, बड़ी समस्या थी मेरे स्टाफ में भी कईयों के। एक साथी को कई बार 4 काम बता देते थे, 3 दिन बाद उसे मिलते, हाँ भाई क्या हुआ काम किए, अरे बोस कैसे काम करता बहुत लोड हो गया था। मैंने कहा क्या हुआ, मैंने तेरे 4 काम बताए तो 4 से लोड हो गया, तुम 3 तो कर लिए होगे, बोले मैंने एक भी नहीं किया। अरे यार मैंने 4 दिन पहले तेरे को 4 काम बताए और 4 दिन बाद तूने एक भी काम नहीं किया, और फिर तू कहता लोड हो गया, तो लोड किधर से हुआ जब तूने कोई काम किया ही नहीं। तो तरीका ये नहीं होता है, तरीका होता है देखो साहब आपने 4 काम बताए मेरे को, मैं 2 कर दिए, 2 मेरे बस की बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो जिंदगी में गुरु मंत्र लो, मेरी दादी का दिया नुस्खा है, मेरे गांव की भाषा में बोल रहा हूं मैं, मेरे गांव में दादी मेरी कहते थे कि झूठे की भूखे की आड़ी आ जाए झूठे की आड़ी नहीं आती है। फिर से कहता हूं ये कोटेशन मेरा नहीं है, मेरी दादी माँ का है, जो अनपढ़ महिला थे लेकिन जिंदगी का मैनेजमेंट इतना खतरनाक था उनका भाई साहब, कि झूठे की आड़ी कभी नहीं आएगी, भूखे की आड़ी आ सकती है। आड़ी का इसका मतलब है कि भूखा आदमी फिर भी कभी बड़ा बन सकता है, सफल हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, लेकिन झूठा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, कभी पैसे वाले से मेरा मतलब है कि मैं मेरा पैसे वाले से मतलब कोई पैसा नहीं होता, पैसे का मतलब सफलता, सक्सेस मिल जाएगी उसको, तो झूठा व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, भूखा व्यक्ति नीडी व्यक्ति फिर भी सफल हो सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ने की मेरी दूसरी शर्त यह है कि बहाने नहीं बनाए, झूठ नहीं बोले, स्वीकार करें हाँ साहब गलती मेरे से हुई। आपको अपनी गलतियां खुद स्वीकार करनी पड़ेंगी। ए बच्चे आपको अपनी गलत तू नहीं पढ़ा, तू माँ से झूठ बोल सकता है, झूठ पिता से बोल सकता है, झूठ दोस्तों से बोल सकता है, खुद को क्या जवाब देगा यार। यदि आपने कल 10 घंटे पढ़ाई नहीं की और पिताजी पूछते हैं, वार्डन पूछता है, माँ पूछती है, टीचर पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं, ओ मैं कल खूब पढ़ा, क्यों झूठ बोल रहा भाई। आप ये कहो भाई कल तो मजे किए नहीं पढ़े यार, या कल मूड नहीं था यार, कल सो गए भाई, सीधी सी बात है, आज पढ़े कोई बात। अरे नीट और जेई वाला मामला तो मेरे को लगता है यार ये इसको पता नहीं क्यों बाउंडर बखेड़ा खड़ा, 11वीं 12वीं का सिलेबस आता है यार, एनसीईआरटी सिलेबस आता है यार, और ये वो एग्जाम है जिसको 12वीं क्लास का बच्चा टॉप करता हो, चाहे जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे नीट हो। 10-11 साल तो देखते मेरे को हो गए, 25 साल हो गए, बट 10-11 याद है मेरे क्लास के, कि हमेशा 12वीं क्लास का बच्चा टॉप करता है, कभी भी 12वीं बाद रिपीटेड ड्रॉप पर बच्चे टॉप नहीं करते इनको। तो जब 12वीं क्लास का बच्चा टॉप कर रहा है इस एग्जाम को, इसका मतलब एग्जाम जबकि वहाँ रिपीटर बैठे होते हैं, ड्रॉप पर बच्चे बैठे होते हैं, इसका मतलब वहाँ कोई कॉन्सेप्ट है, वहाँ कोई बेसिक चीज़ें हैं, वहाँ कोई लॉजिक्स हैं। अब वो लॉजिक तो पढ़ते नहीं है, बेसिक पढ़ते नहीं है। मैं